भाकपा माले जिला और प्रखंड कार्यालयों पर छापेमारी बढ़ते आंदोलन से पुलिसिया घबराहट का परिणाम जल्द ही भाकपा माले का एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मिलेगा। सरकारी निर्देशों के विपरीत गरीब उजाड़ू अभियान प्रशासन की भाजपाई मानसिकता को दिखलाता है। भूमाफिया और शराब माफियाओं से थानों के तार जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि बहादुरपुर थाना तो चौकीदारों के माध्यम से यह धंधा चलाता है। थाने के अगल बगल के दर्जनों गांव में पुलिस की देखरेख में यह गौरख धंधा चलता है। उन्होंने कहा कि मामले की उच्च स्तरीय जांच स्वतंत्र एजेंसी से करवाएं। आगे उन्होंने कहा कि जल्द ही भाकपा माले का एक शिवमंडल विधायक दल के नेता उपनेता के नेतृत्व में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मिलेगा और दरभंगा की पुलिस महकमे में मुकम्मल बदलाव की मांग करेगा। संवाददाता सम्मेलन में भाकपा माले के जिला सचिव वैघनाथ यादव, राज्य कमेटी के सदस्य अभिषेक कुमार और राज्य कमेटी सदस्य नेता नयाज अहमद भी मौजूद थे। और लूट को झूठ और झूठ को लूट बनाने का खेल जो थाना में चल रहा है उसका हम लोग एक बड़े पैमाने पर इसका विरोध करेंगे। बहादुरपुर थाना के बारे में जानकारी मुझे मिल रही है कि तीन तीन बार प्रशासनिक आधार पर उनके तबादला का रिपोर्ट कर दिया गया, बावजूद उनको थाना में टिकाए रखा गया है, क्योंकि बड़े अधिकारियों को वो पैसा देने का काम करते हैं, लूट का धंधा उन तक पहुंचता है, इसलिए उनको बचाए रखा गया है। बहादुरपुर थाना के चारों तरफ शराब का धंधा चल रहा है, शराब की खेती चल रही है, शराब का अवैध व्यापार चल रहा है और ऐसे थाना प्रभारी को बचाने का काम किया गया है। हमारी पार्टी मजबूती से इस बात को कहती आ रही है कि जांच में पारदर्शिता होनी चाहिए, लूट को झूठ नहीं किया जाना चाहिए, झूठ को झूठ कहा जाना चाहिए। पैसे के आधार पर ये जो इन्वेस्टिगेशन का खेल चल रहा है उस पर लगाम लगना चाहिए, ये हमारी पार्टी की समझदारी है। और ये दमन से भाकपा माले रुकने वाला नहीं है, तमाम दमन के बावजूद हमारा आंदोलन जारी रहेगा और यदि दरभंगा जिला का प्रशासन नहीं चेतता है तो हम लोग इसको लेकर के बड़े स्तर पर एक बड़े आंदोलन में उतरेंगे और राज्य सरकार को भी हम मजबूती से अपनी बात को पहुंचाएंगे और सरकार को इस मसले पर संज्ञान लेना पड़ेगा। भाजपाई मानसिकता वाला जो दरभंगा जिला का प्रशासन है, लूट खसोट में लगा हुआ जो दरभंगा जिला का जो प्रशासन है उसके खिलाफ हम सख्ती से माहौल यहाँ बनाएंगे और राज्य सरकार को भी इस मसले पर संज्ञान लेना पड़ेगा। यही